हाय एवरीवन एंड वेलकम टू कैप्टन। सो यार, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त का मिड हमारा ऑलमोस्ट निकल चुका है। अब ऐसे में आप लोगों को लग रहा होगा कि यार भैया, चीज़ें पिछले 3-4 महीने से बहुत ही मेस्ड अप हो चुकी हैं, चीज़ पकड़ में नहीं आ रही है। मेरे भाई, आज एक ऐसा टाइम टेबल मैं आपको देने वाला हूँ जब आप बहुत ही ज़्यादा स्मूथली अपने क्लास 12th के बोर्ड्स और एंट्रेंसेस को मैनेज कर लोगे। यार, आप सेल्फ स्टडी करने वाले बंदे हो, बहुत बढ़िया बात है। आप कहीं और कोचिंग के अंदर एनरोल्ड हो, आपकी चीज़ें बहुत लड़खड़ा चुकी है, ये जो टाइम टेबल आपके साथ मैं शेयर करने वाला हूँ ना, ये चीज़ों को बांध लेगा। आगे आपके हाफ ईयरली भी आने, प्री बोर्ड्स भी आने, मैं बार बार वीडियोज़ डाल के आपको एक ही चीज़ आगाह कर रहा हूँ कि जैसे ही आपका अगस्त ख़त्म होगा ना, चीज़ें बहुत निकलनी शुरू हो जाएंगी आप लोगों के हाथों से। अभी आपके हाफ ईयरली के अंदर बहुत टाइम चला जाएगा, प्री बोर्ड्स के अंदर, फिर एंड आते आते, जनवरी आते आते आपके प्रैक्टिकल्स, वाइवा, बहुत चीज़ें मेस्ड अप हो जाएंगी। और अगर आप सच्चाई देखोगे ना, तो मेरे भाई, कड़वी सच्चाई सिर्फ और सिर्फ एक ही है कि आपको बोर्ड्स और एंट्रेंसेस दोनों के अंदर अच्छा परफॉर्म करना है। तो मेरे भाई, आज मतलब कल 15 अगस्त से भी अगर आप पढ़ना स्टार्ट करोगे, चीज़ें बहुत ईजीली हो जाएगी। लेकिन अगर आप उसके बाद मेरे से पूछोगे कि भैया, क्या आप हमें ऐसा टाइम टेबल दे दोगे, तो मैं भी अपने हाथ जो है खड़े कर दूंगा कि यार, मेरे लिए पॉसिबल नहीं हो पाएगा। फिर आप, फिर जब आपका आगे अगर आप मुझसे टाइम टेबल मांगोगे, तो उन टाइम टेबल्स के अंदर होगा क्या कि आपके पास एक दिन के अंदर बहुत ही ज़्यादा कंटेंट आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको एंट्रेंसेस के लिए और ज़्यादा कंटेंट एक दिन के अंदर पढ़ना पड़ेगा, जहां अभी जो है 7 से 8 घंटे पढ़ाई करके आप दोनों चीज़ें बहुत ईजिली मैनेज कर लोगे। बाद में वो टाइम जो है निकल के 12-15 घंटे तक भी पहुँच जाएगा। और ये हकीकत है, ऐसा नहीं है कि भैया 12-15 घंटे कौन पढ़ाई करता है। मेरे भाई, मैं आपको बता दूं, हमारे जो बच्चे हैं ना, ऐसे ही रैंक्स नहीं निकालते, दिन रात पढ़ाई करते हैं। तो ये टाइम टेबल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डलवा रहा हूँ। अब इसका एक्सेस कैसे लेना है और इसको समझना कैसे है, ये टाइम टेबल कैसे डिज़ाइन किया हुआ है, इसके अंदर आपके बोर्ड्स और आपके एंट्रेंसेस दोनों ही इसके अंदर डले हुए हैं, कैसे इस टाइम टेबल को समझना है, बहुत कायदे से समझाऊंगा आप लोगों को। यार देखो, मैं सबसे पहले आपके डोमेन की बात कर लेता हूँ। तो हमारे डोमेन के अंदर क्या क्या है, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़, इकोनॉमिक्स, उसके बाद हायर मैथ्स जो है, ये आपके हायर मैथ्स वाला मैंने यहाँ पे जो है एंट्रेंसेस के साथ डाला हुआ है, 2 शीट बनी हुई है। देखो नीचे आप देखोगे, मेजर एंट्रेंसेस की 1 शीट बनी हुई है और उसके बाद कॉमर्स डोमेन की 2 शीट बनी हुई है। तो कॉमर्स डोमेन में मैंने मेजर 3 सब्जेक्ट डाले हुए, आपका अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ और आपका इकोनॉमिक्स। मेरे भाई, अगस्त आपका जो है अभी मिड आ चुका है, 15 दिन के अंदर फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये 2 चैप्टर्स आपको अकाउंटेंसी के निपटाने हैं। अब मेरे भाई देखो, वो टाइम नहीं रह गया है जब आपको आप ये चाह रहे हो कि भैया 15 अगस्त का बिल्कुल बिल्कुल सब्जेक्ट वाइज टाइम टेबल दे दो कि इस सब्जेक्ट का ये पढ़ना है, इसका ये पढ़ना है, इसका ये पढ़ना है। स्पून फीडिंग की आदत अब आप हटा दो। ये स्पून फीडिंग की आदत आप मुझसे अगर 3-4 महीने पहले टाइम टेबल मांगते, तो मैंने मेरे बच्चों को वो बिल्कुल एकदम चम्मच खिलाता हुआ टाइम टेबल वैसा दिया है। बट चीज़ें अभी जैसे जैसे समय निकलेगा, चीज़ें हाथ से जाएंगी, मैं आपको बार बार आगाह कर रहा हूँ। अभी भी ये जो टाइम है ना, आप चीज़ों को बहुत ईजिली समेट सकते हो। तो यहाँ पे 2 चैप्टर्स अकाउंटेंसी के आपको इस 15 दिन के अंदर निपटाने ही निपटाने भाई, चाहे कुछ भी करना, ये टॉपिक्स आपको निपटाने। बिजनेस स्टडीज़ में आपको नेचर, सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको निपटाना है। इकोनॉमिक्स के अंदर आपका नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स और आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस जो है, ये आपको इकोनॉमिक्स में निपटाना है। तो मैंने यहाँ पे मंथ वाइज आपको टाइम टेबल दिया हुआ है। अभी आप नीचे आओगे तो सितंबर के अंदर क्या है, यहाँ पे आपका फिर से 15 दिन जो है लगभग, देखो हाफ ईयरली की अगर मैं बात करूँ, तो किसी के सितंबर के अंदर हाफ ईयरली होते हैं, किसी के जो है आपके अक्टूबर के अंदर आके हाफ ईयरली होते हैं, तो वो डिपेंड करता है स्कूल टू स्कूल। आपको अगर लगता है कि सितंबर के अंदर मेरे हाफ ईयरली है, तो उसमें से 1 चैप्टर कम कर लेना, 15 दिन का ही तो टाइम होगा, क्योंकि 15 दिन तो आप वहाँ पे दिमाग लगाओगे सारा, समझ रहे हो, तो 1 चैप्टर कम कर लेना। और अगर अक्टूबर के अंदर हो तो अक्टूबर के अंदर ऐसा कर लेना। लेकिन अगर आप नीचे देखोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें पता है कि जनवरी के आसपास आते आते हमारे बहुत मेजर प्री बोर्ड्स होते हैं, मतलब बहुत एक्सट्रीम लेवल वाले प्री बोर्ड्स होते हैं, जब स्कूल वाले आपको जज करते हैं
कि भाई इस बच्चे की एक्स्ट्रा क्लासेस लगानी है नहीं लगानी, इस बच्चे के घर पे फोन करना है नहीं करना, वो प्री बोर्ड जनवरी के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे देखो तब तक आते आते हमारे सारे चैप्टर्स निपट चुके होंगे, जनवरी तक आते आते आप अपना तीन डोमेन बिल्कुल निपटा चुके हो। तो ये जो आप यहाँ पे सिलेबस देख रहे हो, मैंने प्रॉपर आपका मंथ वाइज जो है डिवाइड किया है, पूरी फैकल्टीज इस टाइम टेबल के अंदर बैठी हुई है, उन्होंने दिन रात मेहनत करके जो है टाइम टेबल आप लोगों के लिए डिजाइन किया है। अब उसके बाद यहाँ पे देखो नीचे आओ जरा, अब यहाँ पे अगर मैं CUET की बात करूँ तो जो आपके एडिशनल टॉपिक्स है जो कि आप कभी बोर्ड्स में नहीं पढ़ने, मैं कह रहा हूँ अभी उनको हाथ भी मत लगाओ। यहाँ पे अप्रैल का हमारे पास टाइम होगा, अप्रैल के अंदर उन चैप्टर्स को फोड़ेंगे। अभी आपका मेजर फोकस जो दिसंबर तक आना चाहिए, ये जो चैप्टर्स हमने डाले हुए हैं इसको बिल्कुल भाई साहब उड़ा दो इन चैप्टर्स को, और जो जो जिस टाइम फ्रेम के अंदर डाला है उस टाइम फ्रेम के अंदर ख़त्म करो। और ये इस तरीके से डिजाइन है कि ईजिली चीज़ें अचीवेबल है, ईजिली आप कर सकते हो। उसके बाद अगर मैं सिमिलरली आपके एंट्रेंसेस की तरफ आ जाऊँ, तो अगर मैं CUET की बात करूँ, भाई हमारे जनरल टेस्ट आता है ना, लॉजिकल रीजनिंग आता है, उसके जनरल टेस्ट के अंदर हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, हमारा इंग्लिश लैंग्वेज जो है, हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का हमारा पेपर होने वाला है, उसके बाद हायर मैथ्स और अप्लाइड मैथ्स भी मैंने यहीं पर डाला हुआ है। तो यहाँ पे देखो भाई, अगर आप ये देख रहे हो तो अगस्त के अंदर मुझे एक चैप्टर नंबर सिस्टम जो है कायदे से निपटाना है, ठीक है, मतलब दो चैप्टर मुझे कायदे से निपटाने, तो वो ईजिली अचीवेबल है, ठीक है। लॉजिकल रीजनिंग के अंदर जो है मुझे एनालॉजी निपटाना है, उसके बाद इंग्लिश के अंदर मैं बात करूँ, मुझे एक चैप्टर इंग्लिश का निपटाना है नाउन, उससे पहले मैंने कुछ जो है नॉवल्स आपको सजेस्ट की हुई है। हायर मैथ्स के अंदर आपको जो है दो चैप्टर्स निपटाने हैं, आपका हायर मैथ्स के अंदर लॉग और सेट्स निपटाना है। अप्लाइड मैथ्स के अंदर आपको, अगर आप अप्लाइड मैथ्स वाले बच्चे हो तो नंबर क्वांटिफिकेशन एंड न्यूमेरिकल एप्लीकेशन और मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स, ये आपको निपटाना है। जनरल अवेयरनेस के अंदर अभी सिर्फ और सिर्फ करंट अफेयर्स आप पढ़ते रहना, हो सकता है कि ये सिर्फ आप जो है CUET के लिए प्रिपेयर नहीं कर रहे हो, आप IPMAT इंदौर, रोहतक, जिपमैट, सेंट जेवियर्स मुंबई, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो भी ये टाइम टेबल एप्लीकेबल है मेरे भाई। यहाँ पर भी आप नीचे आना, यहाँ पे देखना सितंबर के अंदर मैंने लिखा हुआ है कि मोस्टली बच्चों के सितंबर के अंदर हाफ ईयरली होते हैं, तो यहाँ पे एक आधा चैप्टर कम कर देना, 15 दिन का स्लॉट निकाल लेना। यहाँ पे जो है सिमिलरली अगर आपके अक्टूबर के अंदर होते हैं तो अक्टूबर के अंदर 15 दिन का स्लॉट निकाल लेना। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर भी नीचे आओगे ना मेरे भाई, तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पे आपको अगर लगता है जनवरी के अंदर हमारा मोटा मोटा जो है वो प्री बोर्ड चलेंगे, तो यहाँ पे अगर आप LR की बात करोगे तो यहाँ पे मैंने जो है सिर्फ और सिर्फ मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, मॉक टेस्ट बहुत सारे डाले हुए भाई इसके अंदर आपके। हायर मैथ्स आपका जो है साथ चल रहा होगा, बाकी के सब्जेक्ट्स नहीं चल रहे होंगे। तो ये बहुत स्मार्टली जो टाइम टेबल है ना वो आपका डिज़ाइन किया हुआ है, ये इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि आपके हाफ ईयरली, आपके प्री बोर्ड, सारी चीज़ें मैनेज करके जो है आप ईजिली चल सकते हो। बट मैं आपको एक बात बार बार ये चीज़ बता रहा हूँ, जितना आप लोग डिले करोगे उतनी चीज़ें आपके हाथों से निकलती जाएंगी मेरे भाई, बहुत निकलेंगी। अभी चीज़ों को समेटो, चीज़ों को पकड़ो, और बाकी अगर आप चाहते हो कि सारा ही टाइम टेबल आप, आपके CUET की प्रॉपर प्रिपरेशन हम बहुत कायदे से करा दें, तो ये पूरा टाइम टेबल जो हम हमारे एम्बिशन बैच के अंदर फॉलो करवाने वाले हैं। बच्चे एम्बिशन बैच के अंदर इसी टाइम टेबल को फॉलो करके चीज़ें कंप्लीट करेंगे। आप हमारे एम्बिशन बैच के अंदर इनरोल कर सकते हो विद इन दो या तीन दिन की हमने जो है अभी डेडलाइन रखी हुई है, उसके बाद हम एम्बिशन बैच के एनरोलमेंट्स नहीं ले पाएंगे। मैं आप लोगों को बता देता हूँ, हम जो है बैचेस लिमिटेड टाइम के लिए खोलते हैं, हम हर साल लिमिटेड बच्चों को पढ़ाते हैं, उनके ऊपर मेहनत करने की जो है पूरी कोशिश रहती है, तभी हमारे जो है इतने अमेजिंग रिजल्ट्स जो है वो आते हैं। इस साल अगर मैं बात करूं भाई साहब, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 300 बच्चे पहुंचे, जिसके अंदर 21 बच्चे SRCC के अंदर है, 11 बच्चे शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडीज के अंदर पढ़ाई कर रहे हैं, और टॉप नॉच यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है बच्चे, अगर मैं टोटल बात करूं तो 600 बच्चे इंडिया की बेस्ट यूनिवर्सिटी, चाहे वो आपका IPMAT इंदौर, रोहतक, जिपमैट, देन उसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी मिला के लगभग 600 बच्चों का एडमिशन इस साल कराया है। तो ये जो टाइम टेबल्स बने हुए हैं ना, बहुत स्मार्टली बने हुए हैं हमारे, मतलब 2022 के अंदर बात करूँ ऑल इंडिया रैंक 1 थे, इस साल 3 बच्चे ऐसे हैं जिनके 4 सब्जेक्ट के अंदर 100% है। तो मेरे भाई प्रॉपर कायदे से जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक डलवा रहा हूँ, एडमिशन बैच की जितनी भी आपको इंक्वायरी चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर नंबर है, बैच का एक्सेस आपको जो है प्रॉपर डिटेल्स डेमो वीडियोस आपको मिल जाएंगी। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी। स्टिल कोई भी डाउट होता है मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ लेना। मिलता है किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।